हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। बाय द वे फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग होने वाला है वो हमारे जितने भी व्लॉग आपने अभी तक देखे हैं वो सबसे अलग होने वाला है। तो आप लोग को टाइटल एंड थंबनेल देख के तो वो पता चल ही गया होगा। आना बनी मॉडल, इस टॉपिक से आपको क्या लगता है आज के व्लॉग में हमारे बेसिकली होने क्या वाला है? तो वो सब तो अभी के लिए छोड़ दो, आप लोग आगे जो व्लॉग देखते रहोगे कंटिन्यू तो आपको पता चल ही जाएगा कि होने क्या वाला है आज के व्लॉग में। सो अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक करो। एंड बहुत लोग हमारी वीडियो देखते रहते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, सो आप लोग जल्दी सब्सक्राइब भी करो। एंड चलो अब अपना व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। वैसे गरीब फ्रेंड्स, मैंने सुबह से व्लॉग से स्टार्ट नहीं किया बिकॉज आप लोग सुबह से देखते देखते बहुत भूख हो जाते। सो बाय द वे अभी हो रहा है 10 o'clock एंड अभी हम लोग सब रेडी हो गए। मैं तो रेडी हो गई, असर भी रेडी हो गई। हमारे व्लॉग के बारे में आपको कुछ भी नहीं बताया मैंने, तो वो बता देती हूँ। तो हम कहाँ जा रहे हैं, किसे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, उस सब का आंसर आपको आगे व्लॉग में मिल जाएगा। So keep watching till the end. फर्स्ट लोकेशन पे और आप देखते रहो व्लॉग कंटिन्यू कि आगे क्या होता है। यहाँ पे हम तीनों के लिए फॉर्म फिल कर रहे थे। आना तो अपना खेलने में लगी हुई थी और हम तीनों मम्मा में असरा बैठ के बोर हो रहे थे। आप पापा जी जैसे फॉर्म फिल किया तो मैं नर्वस इतना ज्यादा हो गई थी। तो आप देखो जरा, बहुत ज्यादा खुश हूँ। पहले तो आना के लिए बहुत खुश थी, लेकिन अब इन दोनों के लिए भी, क्योंकि अब इन दोनों का फोटोशूट होगा। बस थोड़ी सी नर्वस है बच्चे, लेकिन चलो चलते हैं हम फर्स्ट स्टूडियो में। तो आप लोग भी देख लो कि इनसाइड व्यू ऑफ स्टूडियो कैसा होता है। सो फ्रेंड्स, अब अलीजा को रसरा को स्क्रिप्ट मिली है, उनका ऑडिशन है, तो वो स्क्रिप्ट की तैयारी कर रही है। थोड़ी सी नर्वस है बट कर लेंगे, तो मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स अब यहाँ देखो, मैं इतनी बार उस डायलॉग को लर्न करने की, स्क्रिप्ट को लर्न करने की कोशिश कर रही थी बट वो लर्न हो ही नहीं आता। तो आना तो ऑडिशन के लिए गए हुए हैं, आई होप सब कुछ अच्छा हो और दोनों बच्चे तैयारी करने में लगे हुए हैं। तो देखते हैं कि अब क्या होता है। तो ये रहा इनसाइड व्यू ऑफ स्टूडियो। सो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, बट थोड़े से ना न्यू पीपल होते हैं तो नर्वसनेस हो गई थी। सो मैंने मम्मा को बोल दिया एंड पापा जी को बोला कि आप लोग बार बार थोड़ा सा साइड हो जाओ तो मेरे को नर्वसनेस नहीं होगी। तो फिर मैंने थोड़ा बोल दिया। यहाँ पे स्क्रिप्ट एंड डायलॉग को इतनी बार लर्न कर लिया, जो 2-3 टाइम्स भी हो, 10-20 टाइम्स भी अगर मैंने लर्न करा तो, बट मुझे फिर लर्न नहीं हुआ था। एंड आप फिर देखो, मेरे को फिर से मैंने गलत बोल दिया और मुझे फिर लर्न करना पड़ा उसको। यहाँ पे मुझे तो स्क्रिप्ट को 2-3 टाइम्स लर्न करना पड़ा था, बट असरा ने 1 टाइम में बिल्कुल परफेक्टली बोल दिया। तो आप लोग सुनो असरा ने क्या बोला। सो फ्रेंड्स, आवर फर्स्ट ऑडिशन इज डन, नाउ लेट्स गो टू सेकेंड लोकेशन। गर्मी हो गई थी, सर्दी समझ ही नहीं आ रहा था, इतनी ज़्यादा धूप हो रही थी ना।
ऑडिशन हुआ था उसका और तो चलिए अब देखते हैं यहाँ क्या रहता है। चलो अब हम ऑडिशन देते हैं सेकंड स्टूडियो। अभी हमको ज़्यादा नर्वस नहीं था बिकॉज हमने फर्स्ट जो ऑडिशन दिया था उसमें हमें थोड़ा सा पता चल गया था कि ऐसा कैसे ऑडिशन देते हैं, सो इसलिए अभी हम ज़्यादा नर्वस नहीं थे। ये था आना का फोटोशूट एंड ड्रेस, सो अभी हम वही डिसाइड कर रहे थे कि आना को कौन सा साइज आएगा। वैसे जो ऑडिशन था ना हमारा, ये कोई बोलने वाला या कुछ ऐसा नहीं था, ये खाली इसमें हमने फ़ोटोशूट करवाया था अलग अलग पोजेस देके, सो बस वही ऐसा कर रही थी। हमारा कम चेंज करके थे ड्रेसेस एंड उसके शूज़ भी हमने चेंज करे हैं। आना इस आउटफिट में कैसे लग गया आप लोगों ने कमेंट करके जल्दी जल्दी से बता दो। सो चलो अभी इसमें ना आना का मेकअप वगैरह भी एंड हेयर स्टाइल वगैरह भी हुआ है। आना के तो फोटोशूट आपने देख ही लिए पिक्चर्स एंड हम लोग का फोटोशूट भी हो गया है, तो अभी कर लेते हैं फटाफट पाकर एंड तब तक आप देख लो कि सेकंड स्टूडियो का इंटरव्यू कैसा है। तो अभी तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, सो चलो फटाफट अब घर चलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम घर पे आ गए हैं एंड अभी तो आपने पूरा ब्लॉग यहाँ तक देख ही लिया, तो मैं सुबह बताना भूल गई थी कि इस ब्लॉग में मैं बेसिकली थक गया। वैसे एक्चुअली वो सस्पेंस था, तो अब तो सस्पेंस आप लोगों ने देखे जो भी हमने किया, पर आपको ये नहीं पता होगा कि इस लोग में हमने बेसिकली करा क्या है, सो पहले वो सुन लो आप लोग। तो फ्रेंड्स ये था हम लोग का, हम तीनों का फर्स्ट ऑडिशन, मतलब हम लोगों ने पहली बार ऑडिशन दिया, हमने वैसे कभी पहला ऑडिशन दिया नहीं और आज बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ऑडिशन देखे। एंड फर्स्ट ऑडिशन में हम लोगों ने जो हम फर्स्ट स्टूडियो गए वहाँ पर हमने किया स्क्रिप्ट रिसाइड, उन्होंने हमें एक स्क्रिप्ट दी थी, डायलॉग दी थी कुछ, उन्हें हमें रिसाइड करना था, सो उसमें हम तीनों सेलेक्ट हो गए थे, मैं ऐसा आना। देन ऑल्सो वी हैव गोन टू सेकेंड स्टूडियो एंड वहाँ पे हम लोगों ने फोटोशूट किया, मेरा और असरा ने फोटोशूट वगैरह करवाया एंड आहना का भी उन्होंने फोटोशूट वगैरह लिया था। देन आहना हो गई है सेलेक्ट इन सेकेंड स्टूडियो में आहना को कर लिया हम लोगों ने सेलेक्ट, वैसे हम तीनों सेलेक्ट हो गए थे। बट अब आप सोचोगे कि हम लोगों ने क्यों नहीं किया, हम लोग भी तो कर सकते थे, बट हम लोगों ने इसलिए नहीं किया ड्यू टू फ्रेंड्स एग्जाम्स, बिकॉज एनुअल एग्जाम बिल्कुल ही अप्रोचिंग ही हो, मतलब अभी बिल्कुल है ही एग्जाम्स, सैटरडे से ही हमारे अपकमिंग सैटरडे से, सो वी आर हैविंग नो टाइम टू डू एनीथिंग, जस्ट वी हैव टू स्टडी एंड फोकस ऑन एग्जाम्स, सो दैट्स वाई हम लोगों ने नहीं किया। सो आहना के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव एंड आहना का भी शूट होगा ऑन नेक्स्ट संडे, सो आप लोग ना मुझे कमेंट्स करके ये जरूर बताना कि क्या आप लोगों को आहना के फोटो शूट का व्लॉग चाहिए, अगर चाहिए तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो। एंड क्या होता है ना फ्रेंड्स कि जब आप कहीं न्यू जगह पर जाते हो एंड न्यू पीपल वगैरह सबके साथ कोई डायलॉग इस साइड कुछ कर रहा होता है, सो पहले थोड़ी सी नर्वसनेस होती है, देन बाद में ठीक हो जाता है। सो मेरे को तो पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आज, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट टाइम था, तो हमें थोड़ा बहुत पता भी चल गया कि कैसे सब करते हैं।
तो मैंने तो आपको पूरा अपना व्लॉग दिखा दी, अब आप लोग बताना कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। तो फ्रेंड्स अभी के लिए बस इतना इस व्लॉग में, एंड अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने सब फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो फ्रेंड्स अभी के लिए बस इतना ही, अब मैं मिलूंगी आपको अपनी न्यू व्लॉग किसी न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।